मगध टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और आज मैं आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के में रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा, जहां पे आप अपने एस्टेब्लिशमेंट अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। यहां पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए जाते हूँ हम लोग जो साइट पे थे एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के साइट पे गए, वहां पे रजिस्ट्रेशन पे गए, मुझे एक नया साइट पे लेके आया श्रम सुविधा। वहां पे रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन अंडर ईपीएफओ ईएसआईसी में हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जाके साइन अप पे क्लिक करेंगे। आपको सबसे पहला रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको सबसे पहला नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपको कैप्चा डालना है और साइन अप करना है। जैसे ही साइन अप करेंगे आपको एक ओटीपी जाएगा, देखिए यहाँ पे बताया सेंड टू योर ईमेल, तो आप जाके चेक कीजिए वहां पे आपको मिलेगा, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा सबसे पहला। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करके फिर बाद में आप लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन के बटन से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिला है एक लॉगिन आ गया है, क्लिक हेयर कीजिए, इसको वेरीफाई करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो ये अपना वेरिफिकेशन कोड है और यहाँ पे जनरेट ओटीपी, तो यहाँ पे हम लोग जनरेट ओटीपी पे क्रिएट कर दिए। ये आपको मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसको भी आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई जैसे हो गया यहाँ पे इंटर चॉइस आईडी, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी आप आईडी चॉइस कर सकते हैं जो लॉगिन के लिए यूज होगा इस पोर्टल में। फिर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डालना है। आप जैसे ही यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, सबमिट करेंगे कि आपका सबमिट हो जाएगा और आपका लॉगिन आईडी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आ गया थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, अभी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन लॉगिन खुल जाएगा। आपको बोल रहा है आप फेसबुक ट्विटर में इसको शेयर भी कर सकते हैं, यदि आप चाहे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन पे जाइए और रजिस्ट्रेशन अंडर ईपीएफ ईएसआईसी, आप यहां से ईएसआईसी का भी रजिस्ट्रेशन ईपीएफ के साथ कर सकते हैं, आप ईपीएफ ईएसआईसी दोनों का रजिस्ट्रेशन यहां से कर सकते हैं। हम इनको यहां पे सिर्फ ईपीएफ चाहिए इसलिए मैं ईपीएफ का करूंगा, पर आप दोनों साथ में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों आ गया, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस जिसको ईएसआईसी बोलते हैं और ईपीएफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, आप दोनों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोनों पे टिक करके सबमिट करेंगे तो आपका ईएसआईसी और ईपीएफ दोनों का लाइसेंस एक साथ निकल जाएगा, आपको अलग से कुछ निकालने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको ईपीएफ का निकालना है तो आप ईपीएफ पे क्लिक कीजिए, सबमिट कीजिए, आपका ईपीएफ के पोर्टल पे ईपीएफ का भी लाइसेंस निकल जाएगा। आपको इसको सबमिट करना है, जब दोनों चाहते हैं तो दोनों को फिर क्लिक कीजिए और इसको सबमिट कीजिए। यहाँ पे वन बाय वन एक फॉर्म आएगा, ये आपको भरना है। सबसे पहला एस्टेब्लिशमेंट मतलब आपका कंपनी का नाम एज पर पिन, जैसा कि आपका पैन कार्ड में नाम है वैसा ही आपको पैन कार्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे नाम डालने का। तो मैंने यहाँ पे नाम, एड्रेस, जो भी एड्रेस है नीचे का एड्रेस वो फिल कर दिया, नेम, एड्रेस प्रॉपर, सेटअप डेट जो भी आपके कंपनी चालू होने का डेट है, पैन कार्ड का नंबर, एस्टेब्लिशमेंट आपकी कंपनी किस तरीके में आती है वो आपको यहाँ पे चूज करना है ये सब ऑप्शंस में से। कंपनी कैसा है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड है, किस तरीके का है वो आपको यहाँ से चूज करना है। मेरी कंपनी प्रोपराइटर है इसलिए प्रोपराइटर, आप यहाँ पे सभी का चीज चेक कर सकते हैं। यदि आप फैक्ट्री में ऊपर में चूज करते हैं तो फैक्ट्री का ऑप्शन आएगा। स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन है तो आप स्टार्टअप नंबर दे सकते हैं। एमएसएमई में यदि आपका रजिस्ट्रेशन है तो एमएसएमई दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। ओनरशिप का डिटेल्स, आपके ओनर्स कितने, 1 2 3 4, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ओनर डाल के दे सकते। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब किया था, रजिस्ट्रेशन या डेट नंबर आपका, हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया वो भी चल जाएगा, आप अलग से भी कुछ नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए होगा और सेव कर देंगे। ठीक है, ड्राफ्ट में चला गया फिर से आपका, मतलब ये मेरा सेव हो गया, अभी लॉग आउट भी हो गया तो भी मेरा यहाँ तक सेव है। आप ड्राफ्ट में जाइए फिर से और एक एक करके आपको ये फॉर्म
भरना पड़ेगा, एक नॉमिनल फॉर्म है जैसे कि कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह सभी आपको एक नॉमिनल तरीके से भरना है। तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में फास्ट में निकालता हूँ। जैसे कि कॉन्टेक्ट्स है आपका, उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट पर्सन, जेंडर्स, मेल्स वगैरह आपको ये सभी डालना है, नाम क्या है ये सब आपको डालना है। देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे सबमिट किया है। यहाँ पे प्राइमेसिस का एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस होगा ऑफिस का वो एड्रेस प्रॉपर वे से डालना है। सब ये फॉर्म वन बाय वन आपको भरना है। फादर नेम, ये आपका पापा का नाम, हमारा मिस हो गया था इसलिए एरर आ रहा था, इसको नेक्स्ट कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन, अभी आपका ये कंपनी है कैसे आइडेंटिफाई होगा, तो आइडेंटिफाई के लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, रजिस्ट्रेशन सॉफ्ट है, जीएसटी है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसमें से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट डालना है। आइडेंटिफाई वैल्यू में आप जो भी नंबर डालेंगे, जो सर्टिफिकेट डाल रहे उसका एक नंबर होता है, वो नंबर आपको डालना है। जैसे कि जीएसटी, जीएसटी का नंबर, अब ये जीएसटी का नंबर आपको डालना है। नेम ऑफ द आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर कौन है, कौन आपका ये जीएसटी में किसने आपका ये सर्टिफिकेट, जीएसटी बोल के डाल दिया। डेट ऑफ इश्यू, इशू अथॉरिटी कौन था, तो आपको ये जीएसटी का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, इशूड अथॉरिटी कौन है। जैसे आप जीएसटी का सर्टिफिकेट निकालेंगे तो उसके नीचे देखेंगे आपको लिखा रहता है सुपरिटेंडेंट और इशू डेट कहाँ पे हुआ, ये भी आपको जीएसटी के सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। या फिर आप कोई भी सर्टिफिकेट लेते हैं तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। फिर से ड्राफ्ट में गया, ड्राफ्ट में हम फिर से जाएंगे, आप इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आइडेंटिफायर जैसे अपना हो गया, फिर हमारा आइडेंटिफायर फिर से आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। जैसे आइडेंटिफायर हो जाएगा, आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपकी एम्प्लॉयमेंट का ये पूरा डिटेल्स डालना है, कितने एम्प्लॉय है आपके पास। आपके पास सिंगल एम्प्लॉय है तो आप एक आदमी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि एज ए रूल हमको बताया कि 20 से नीचे पीएफ की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एक्चुअली 20 से नीचे पीएफ की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, पर आप सिंगल आदमी का भी पीए पीएफ ईएसआईसी निकाल सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन है तो आप निकालिए, हम सिंगल आदमी का, जैसे कि हम मुझे गवर्नमेंट में काम करना है तो मुझे ईपीएफ लगता ही है, इसलिए मैं सिंगल आदमी होने के बाद भी, अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन डाल रहा हूँ। बाकी का आपका ब्रांच डिविजन, आपके पास अलग से कोई ब्रांच है डिविजन है तो आप वो डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। एक्टिविटी, एनआईसी कोड आपके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, मैंडेटरी नहीं है छोड़ सकते हैं। आपकी प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, तो मैंने यहाँ पे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन डाल दिया, आप यहाँ पे सर्च करेंगे कीवर्ड से तो आपको मिल जाएगा ये एक्टिविटी। अभी ये सब अटैचमेंट आपको करना है, सबसे पहला आपका एड्रेस प्रूफ, फिर डेट ऑफ सेटअप अटैचमेंट, ये सब में आपका जीएसटी नंबर भी चल जाएगा और उद्योग आधार भी चल जाएगा और शॉप एक्ट भी चल जाएगा। आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सबमिट कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये सब कुछ सबमिट करने के बाद मैं इसको, यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मेट्स आते हैं, मैं आपको वो के लिए पहले क्लियर करता हूँ। स्पेसिफिक सिग्नेचर अटैचमेंट, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, सैंपल फॉर्मेट आपको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे साइन करना है। जैसे कि ये सिंपल फॉर्मेट है, आपका कंपनी का नाम डालना है, एड्रेस डालना है और आपको तीन साइन करना है एक के बाद एक इतना, और फिर इसको सिस्टम मार के आपको अटैच करना है। तो मैं इसके फॉर्मेट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड में, और फिर ये वाला एक फॉर्म है, ये फॉर्म्स को भी आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में कंपनी का नाम डालना है, नीचे आपको सिग्नेचर कर देने का है, आप जैसे यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे ये आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे अटैच कर दीजिए और फिर इसको सबमिट कर दीजिए, मैंने सब अपलोड कर दिया। देखिए जैसे मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया, मुझे यहाँ पे आ गया। अभी इसको आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इसको डिजिटली साइन कर सकते हैं या फिर ई साइन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। यदि डिजिटली साइन करना है तो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करना पड़ेगा, ई साइन करना है यदि आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप डायरेक्ट ई साइन कर सकते हैं यहाँ से। तो आप, मैं यहाँ पे ई साइन पे चूज करता हूँ, ई साइन पे जैसे ही चूज करूंगा वो मुझे एक ओटीपी के लिए लेके जाएगा, आधार नंबर मोबाइल नंबर बोलेगा। देखिए ई साइन सर्विसेज में चले गए हम, यहाँ पे आधार नंबर डालिए, आधार नंबर डाल के सेंड ओटीपी, ओटीपी डालेंगे
सबमिट करेंगे, जैसे यहाँ पे, तो ये एक एरर आ रहा है, बट आपको एरर नहीं आएगा, आपका ये डायरेक्ट सबमिट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन कर दिया है और वहां पे ओटीपी से अप्लाई कर दिया है, इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ एसआईसी में जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन किया हुआ डिटेल्स मिल जाएगा। जब मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, यहाँ पे अभी आपको नॉट ऑथराइज बोल के आ रहा है, यहाँ पे आपको रजिस्टर बोल के आएगा, और आपको मेल और एसएमएस से आपको थोड़ी देर में, मुश्किल से 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर आपको पैन कार्ड का वेरिफिकेशन के लिए टाइम लगता है। पैन कार्ड जैसे वेरीफाई होगा, वैसे आपको एक मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मैसेज कैसा है? तो देखिए, आपको इस तरीके से आपको मैसेज में लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे मुझे लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गया, मैं इसको साइन इन करूँगा, ये मेरा साइन इन हो चुका, ये मेरा देखिए इस तरीके से साइन इन मुझे मिल गया। अब यहाँ से आपको आपका ईपीएफ का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में जाइए और यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ बोल के मिलेगा, यहाँ पे जाइए कोड अलॉटमेंट पीडीएफ, तो आपको यहाँ पे ये यह आपका ईपीएफ का सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करने से मिल जाएगा। ये आपका ईपीएफ का सर्टिफिकेट देखिए यहाँ से डाउनलोड हो गया और आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका ईपीएफ का सर्टिफिकेट डायरेक्ट ईपीएफ से। ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में आपका ये प्रोसेस पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको रिटर्न भरना है तो आप यहीं से भर सकते हैं, नील रिटर्न, जीरो रिटर्न, कैसे भरना है उसके बारे में हमने वीडियो बनाया, जो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं यहाँ से रिटर्न आप कैसे भरेंगे। यदि आप हमारे पास ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल है जेम पोर्टल के, टेंडर कैसे भरते हैं टेंडर्स के, और भी बहुत सारे, ये रजिस्ट्रेशन कैसे निकालते हैं, यहाँ रिटर्न कैसे करते हैं, इसके ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल है। आप चाहे तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना